फाइनली द मेन विलन टॉल मैन सॉरी इतने दिनों से लिटिल नाइट मेयर की वीडियो नहीं आई। अब यार तुम्हें पता तो है यार, देखो सब कुछ तुम्हें दिख रहा होगा, सब कुछ बदला बदला, मतलब कि पूरा भाई सेटअप सब बदल चुका है, मतलब नई सिटी में आए हैं। मैंने पहले ही बोला था आप लोगों से मुझे एक वीक का टाइम चाहिए, और थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। और हाँ, मुझे पता है लिटिल नाइट मेयर की जो स्टोरी है मैं कंप्लीट करूँगा। तो लास्ट टाइम, अब देखो गुस्से को अलग थूक दो और जल्दी से पहले एक प्यारी सी लाइक कर दो यार, और पीछे का कैसा लग रहा है मुझे सब कुछ बताना, मतलब लाइट्स वगैरह चाहो तो मैं चेंज भी कर सकता हूँ लाइट। अच्छा कुछ ऐसा करते हैं कि जो पीछे की लाइट्स है ना, हम जिस हिसाब से गेम खेलेंगे वो उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे, ठीक है? चलो करके देखते हैं, मतलब जैसे जैसे गेम में चेंज होंगी वैसे वैसे करेंगे। सो ऑल राइट ओके, अभी जो मेरी डिस्प्ले पे कलर है गेम का वो है ब्लू, तो जिस हिसाब से हमारे कलर्स चेंज होंगे वीडियो के उस हिसाब से हमारा गेम का भी होगा, ठीक है? ये आई थिंक कुछ अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग हॉस्पिटल से बाहर निकल गए थे और मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली है एक वीक में, मैंने गेम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। तो पता होगा हमें बीच बीच में टीवी मिलते हैं, एक्चुअल में इस गेम का जो मेन सोर्स है वो टीवी ही है, मतलब एक पावर सोर्स है, समझ रहे हो? और हर बार टीवी के पास जब हम जाते हैं तो वो टीवी हमें कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार सिक्स हमें पीछे पकड़ खींच लेती है। लेकिन इस बार अगर हमें टीवी मिलेगा तो हम उसको भाई जाके देख लेंगे उस गेट के अंदर क्या है। तो फिलहाल हम हॉस्पिटल से बाहर आ गए थे और अभी देखते हैं भाई इधर की तरफ कोई रास्ता है। अरे सिक्स तू तेज़ भाग रही है, क्या बात है, और बारिश तो यहाँ कभी बंद होती नहीं है। तो अब तो गुस्सा नहीं हो ना, अब से वीडियो आएंगी, ठीक है? वन डे के गैप के बाद में, तो लाइक कर देना इसमें, ठीक है? गुस्सा मत दिखाना। और हाँ गाइस यार, जिन लोगों को देखो पबजी की वीडियो देखनी है तो इंतज़ार करना, बाकी ये वीडियो भी बहुत अच्छी है, तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बस ऐसे प्यार बनाते रहना मेरे साथ। अब मैं तुम्हें सही बताऊँ, मेरी फट रही है अब इस गेम में, घर वर टूट के गिर रहे हैं भाई, आज पता नहीं क्या होने वाला है। ओ ये कैसा साउंड आ रहा है, लग रहा है कहीं टीवी चल रहा है भाई, ये जरूर टीवी का साउंड है। और ये कौन लटका हुआ है अब भाई, ये तो अलग ही सीन है। कोई नहीं, हम अंदर चलेंगे। इसका मुंह, किसी ने इसका मुंह देखा? अब मैं तुम्हें बता दूं कि अब यहां के जो लोग होंगे उनके जो मुंह होंगे बहुत ही अजीब से होंगे, और उसका रीजन पता है क्या होगा? टीवी। ये लोग टीवी से बहुत ही, मतलब ये टीवी की वजह से ऐसे हो गए। तुम ये समझ लो कि यहाँ जो टीवी है ना एक बीमारी है। वो घर पे कहते हैं ना कि बच्चों को टीवी ने बिगाड़ दिया है, वो सही बोलते हैं। शायद हमारे मम्मी पापा ने ये गेम खेला होगा, उन्हें पता चल गया होगा कि टीवी बहुत ही ख़राब चीज़ है। चलो बाकी अब मैं यहाँ से पार करता हूँ, ठीक है? सिक्स तुम कब आओगी, आ जाओ। लग रहा है टीवी दोबारा आने वाला है। ओह ये देखो, ये तुम इसको देख रहे हो, ये टीवी की वजह से ऐसा पागल पर उतावला हो रहा है, इसको टीवी देखना है। तो यहाँ के लोगों को ये अजीब सी बीमारी होगी है, मतलब एक साउंड है, इस साउंड से ये देखो भाई ये देखना ले। मुझे ये नहीं पता कि ये लोग खतरनाक लोग हैं कि नहीं, मुझे इतना ज़रूर पता है कि इनका तो काम हो चुका है बस। ओके यहाँ पे मुझे सिक्स की ज़रूरत है, आ जाओ सिक्स। देखो ये भी देखने में लगा हुआ टीवी, ये तो बाथरूम में बैठ के टीवी देख रहा है, पागल हो गया। कोई नहीं, आराम से। चलो हम यहाँ से तो आ चुके हैं। ओ यहाँ पे तो भाई साहब लिफ्ट ही लिफ्ट है। आई थिंक हमें इस नीचे लिफ्ट में कूदना पड़ेगा। चलो भाई हम लोग ऊपर निकल चुके हैं, यहां तो गेट बंद है।
फिर से नीचे, ये राइट साइड में देखो एक रास्ता है, लेफ्ट से हम लोग आए थे, तो मैं समझ गया हमें क्या करना है, इसको खोल के रखना है और अब हमें राइट साइड वाले रास्ते पे कूदना होगा। भाई क्या ही दिमाग लगाया है, मजा आ गया क्योंकि मैं समझ गया था यहाँ पे और कोई रास्ता तो है नहीं। अब इस रास्ते से क्या करना है हमें, ठीक है। ये अजीब सा कूड़ा है कि ये कोई, ये कोरोना वायरस तो नहीं है? ओके मैं तो ऊपर आ चुका हूँ लेकिन 6 अंदर है। अब अंदर आने के लिए या तो मुझे ये खोलना पड़ेगा, नहीं खोलने के लिए नहीं, ये ताले से खुलेगा, हमें ताला चाहिए होगा पहले, ठीक है मैं ताला देखता हूँ। आई थिंक इनको खोल के ऊपर तो नहीं चढ़ना, रुको जरा इसको खींचते हैं। वो पहले में ही चाबी मिल गई हम लोगों को, वाओ। चलो चाबी चाहिए थी हमें और तो हमारे कोई काम की चीज़ है नहीं है। ओके सिक्स तुम आ जाओ, अब हमें क्या करना है, पहले हम सिक्स यहाँ आ जाओ, पहले तुम कुछ हेल्प कराओ मेरी। इससे क्या हुआ, इससे कुछ हुआ है क्या, अभी पता चल जाएगा। इससे मैं फिर से नीचे आ गया, ये फिर से ऊपर आ गई, मैं समझ गया ये वाला जो बटन है ये लिफ्ट को बुलाने के लिए ही है। भाई बच गया मैं, मुझे समझ में आ गया क्या करना है। देखो हमें क्या करना है कि पहले मैं ऐसे ऊपर जाऊंगा, ठीक है, ऊपर जाने के बाद मैं इस लिफ्ट को हम लोग बुलाएंगे और हम फिर इस लिफ्ट के ऊपर कूद जाएंगे ताकि एक नया रास्ता खुल जाए ऊपर जाने के लिए, मतलब ऐसा मेरा अंदाजा है, देखते हैं बाकी होता क्या है। तो चलो मैं ऊपर आ चुका हूँ, अब मैं क्या करूँगा कि देखो सिक्स यहाँ पे आओ जरा, बस ये एंड बूम हम लोग ऊपर आ चुके हैं, जैसा कि मेरा आइडिया था हम लोग ऊपर आ चुके हैं। ऑल राइट अब हमें यहाँ से आगे निकलना है। भाई ये जो पूरा शहर है ना वो देख रहे हो आप लोग ऊपर, वहाँ से सबको कंट्रोल किया जा रहा है। आप लोगों को बिल्डिंग देखिए क्या ऊपर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो ऊपर एक बिल्डिंग देखो एक स्टार जैसा दिख रहा होगा, वहीं से इस पूरे जितने भी ये लोग हैं सिटी के सबको पागल किया गया है। आई थिंक मुझे यहाँ से चढ़ना पड़ेगा, ये रास्ता है और ये सब हुआ है वही टीवी की वजह से, वो टीवी में कुछ ऐसी फ्रिक्वेंसी छोड़ रहे हैं कि उसकी वजह से यहाँ के सारे लोग ऐसे हो चुके हैं। आई थिंक मुझे यहाँ पे सिक्स की जरूरत पड़ेगी, आओ जरा सिक्स। ठीक है सिक्स तो चली जाएगी लेकिन मैं कैसे जाऊंगा, मैं इस बात से कंफ्यूज हूँ। ठीक है सिक्स तो चली गई, आई थिंक ये मेरा हाथ पकड़ेगी क्या, मुझे लग रहा है, ट्राई मारते हैं। हाँ हाँ भाई यार ऐसी चीज़ें मत करवाया करो प्लीज़। अब आई थिंक सीढ़ियों पे चढ़ना है क्या, आई थिंक इधर से सीढ़ियों पे चढ़ना है। भाई साहब ऐसे ऐसे रास्ते हैं ना ये, यहाँ पे फिर से मेरे को सिक्स की ज़रूरत है, चलो सिक्स। ओ किसने बनाया है इतना खतरनाक रास्ता। ओके अब हमें इस पाइप पे चढ़ना होगा जहाँ तक लग रहा है मेरे को। ऑल राइट अब मुझे लग रहा है हमें कैसे भी करके ना उस मेन बिल्डिंग तक पहुंचना है जल्दी से और जाके ना उस बंदे को पेलना है जिसने ये सब कुछ किया है। आ जाओ सिक्स, कुछ आवाज़ आई किसी को अजीब सी, मेरे को इस घर के हालचाल कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है।
भाग सिक्स। बच गया मैं, मेरे को लगा मैं मलबे में दब के मर जाऊंगा। ठीक है, आई थिंक अब सिक्स को निकालना होगा हमें। सिक्स, ओए ओए सिक्स, तो घबराना नहीं, ओ मैं तेरे साथ हूँ। ओए ओए, जब तक मैं तेरे साथ हूँ तुझे कुछ नहीं हो सकता, तेरा भाई तुझे बचाएगा। वैसे भाई नहीं हूँ मैं एक्चुअली, मेरा एक कॉल आया था अभी अमेज़ोन वाले का, तो मैं सामान लेके आया हूँ, लेकिन हमें अमेज़ोन से नहीं, हमें अभी सिक्स को बड़ी मुश्किल से बचाया, पता है। आई थिंक यहाँ पे सिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। चलो सिक्स, यहाँ मेरे को कोई टोपी मिली है क्या? आई थिंक हाँ, मेरे ये हैट खुल चुकी है, मैं ये वाली पहन के देखूँ क्या? भाई ये कैसी अजीब सी हैट है, इधर पे क्या है? ये देख रहे हो तुम, ये वाला फोटो, इसका नाम आई थिंक, नाम तो नहीं पता, लेकिन इसे सब लोग टॉल मैन, आई थिंक लंबा आदमी बोलते हैं। और फाइनली इस बार इस टीवी में हमें घुसना ही है, ठीक है, सिक्स के रुकने से भी नहीं रुकना है। चल 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 चल, फाइनली मैं अंदर आ गया। चल 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 अंदर, मुझे भागना है इस बार सिक्स, अगर तूने मुझे खींचा पीछे। चल नहीं, बस मुझे देखना है कि यार इस गेट के पीछे आखिरकार है क्या। नहीं सिक्स, मुझे खींचना नहीं, नहीं खींचना, गेट खुल गया। फाइनली द मेन विलन टॉल मैन, सिक्स ने यहां पे मेरे को सही बचाया। सिक्स भाग, नहीं नहीं, ओके भाई ये बाहर निकल आया फिर से, मुझे अब इससे बचना होगा। नहीं सिक्स को नहीं, ये सिक्स को ले गया। ये सिक्स को ले गया, गाइस ये सिक्स को लेके चला गया, मैं कैसे बचाऊं सिक्स को? ले गया ये सिक्स को, अब मैं सिक्स को बचाने जा रहा हूं। ये किसी दूसरे टीवी से निकल आया है मैं, तो जैसा कि मैंने बताया था यार तुम लोग को, ये टीवी ही एक रास्ता है। फिलहाल वो सिक्स को ले गया है और मैं पता नहीं कौन सी नई जगह पे आ गए हैं, और मेरे हिसाब से आज के लिए ये एपिसोड इतना ही काफ़ी रहेगा।
लेकिन अगले वाले एपिसोड में हमें देखना है कि अभी सिक्स को कैसे बचाना है। एक बार फिर से हम आई थिंक तीसरी बार सिक्स को बचाएंगे। और अब तुम्हें ये स्टोरी कैसी लग रही है एक बार नीचे कमेंट करके बताना। और अच्छा लगा तो लास्ट में यही कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करना मेरे दोस्तों को, इस कमाल के गेम को सभी लोग देखें। एंड अच्छी लगी तो मेरे भाई लाइक कर देना, कोई भी चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।